धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब अपने वक्त को निकल कर आया ताकि हम साथ में मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा बड़ी कर सके। आमीन। आज एक खास सभा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वो आजादी मना रहा है। कितना ईयर्स की आजादी? 50। आमीन। बट वो आजादी इस देश का है, दुनियादारी का आजादी है, बट एक आजादी हम लोग और जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को दिया 2000 पहले। आमीन। और उसके लिए हम लोग रोज सेलिब्रेट करना है, क्योंकि हम एवरी डे वी शुड रिमेंबर दैट हम आजाद है प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। तो आज पूरे दिल से पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्योंकि नाम सब खड़े हो जाए और प्रार्थना को करेंगे और अपने सभा में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए जो आपने हम लोगों को दिया है, ताकि हम साथ में मिलकर आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बड़ाई कर सके। प्रभु धन्यवाद देते हर एक के जीवन के लिए जो आज यहाँ पर आए, जो कुछ भी मांग लेकर आए परमेश्वर तू जानता है, तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। सभी को तो आशीष देना, अपने लहू से ढांप लेना, अपने पवित्र आत्मा से तू भर देना। जैसे हम आगे की सभा में जाएंगे मेरे प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम ऊंचा उठाया जाए, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ी हो, और जो कुछ भी करे मेरे प्रभु सिर्फ आपके लिए, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में रहे, और अभी अपने आशीष और प्रेम से तू भर देना। धन्यवाद देते इस प्रार्थना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मानता। आमीन। आमीन। मसीह की जय। आज हम प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति आराधना करें। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया। आमीन। आमीन। पूरे दिल से उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो हर प्रशंसा हर महिमा की योग्य है। कि नाम ताली बजाएं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है।
महिमा करें। अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया जीसस। हम हाथ उठाकर गाएंगे प्रभु जी, तेरी महिमा करेंगे। यस जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। करूं मैं आराधना, प्रभु जी।
होने दे जो तू चाहता है आज हमारे जीवन में। प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। Lord, we surrender all into your hands. Our lives, oh God. Our habits, our lifestyles. Lord, our entire life we give into your hands this morning. Prabhu, sab kuch hum samarpan karte hain. Apne aadatein, apne jeevan ka rehne ka jo tarika hai, Prabhu ji. अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे आत्मा को, अपने पूरे जीवन को तेरे हवाले करते हैं। प्यारे लोग, आज दे दे अपने आप को प्रभु के हाथों में। उसने हम सभी को बनाया, हम सभी को रचा, और वो हमसे भी ज्यादा हमारे जीवन को जानता है। प्रभु के सामने कुछ भी नहीं छिपा, आपके जीवन उससे नहीं छिपा है, आपके दिल में क्या हो रहा है वो नहीं छिपा है, आपके जीवन में क्या गड़बड़ियां हैं, क्या मुसीबतें हैं, वो सब कुछ भी नहीं छिपा हुआ है प्रभु से। जो बुरे काम है, बुरे आदतें हैं, वो भी नहीं छिपा हुआ है, तो आज क्यों हम शर्माएं। प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ, ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है कि अगर हम लोग पाप करते हैं या गलतियां करते हैं तो प्रभु तैयार है हम लोगों को माफ करने के लिए, क्योंकि यीशु का लहू जो बहा क्रूस पर वो सामर्थ्य भरा हुआ लहू था, और उसके द्वारा हम पाप से रिहाई पाते हैं, उसके द्वारा हम चंगाई को पाते हैं। और जब हम पश्चाताप को करते हैं, आकर प्रभु के सामने अपने जीवन को रखते हैं, प्रभु माफ कर कर पाप को पवित्र कर देता है, ताकि ये जो जीवन प्रभु ने दिया हम लोगों को, इसमें पवित्र आत्मा करने निवास कर सके, और हमारे द्वारा परमेश्वर अपने काम को आगे बढ़ा सके। तो क्यों ना समर्पण कर दे आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में, अपने हाथों को उठाए, प्रभु की महिमा को करे, प्रभु को निमंत्रण को दे कि आ प्रभु मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा तू आ, तू जांच आज, हर एक चीजों को निकाल कर बाहर फेंक दे, पाक को पवित्र कर दे, क्योंकि प्रभु मेरा शरीर वो कमजोर है, लेकिन तेरा जो आत्मा है वो सामर्थ्य भरा हुआ। मेरा शरीर जो है वो गिर जाता है, वो गलतियां कर देता है, लेकिन जो तेरा आत्मा है प्रभु वो सामर्थ्य से भरा हुआ। और जब आत्मा हमारे शरीर में रहता है तो प्रभु उसके द्वारा हम तेरे राज के लिए काम कर सकते हैं, ऐसा जीवन को व्यतीत कर सकते हैं जिससे तुझको महिमा मिलती है और तेरा जो नाम है वो ऊंचा उठाया जाता है। प्रभु धन्यवाद, जितने भी लोग आज इस भवन में है प्रभु तुम्हारे जीवन को जानता है, अगर कोई दुख और तकलीफ में है तो वो भी तू जानता है प्रभु। अगर जीवन में तूफान चल रही है, बीमारी है, पीड़ा है, जरूरतें हैं, वो सब तू जानता है। और आज हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम पर, जो नाम सबसे ऊंचा, सबसे महान, सामर्थ्य से भरा हुआ। अब प्रभु आज अपने हर एक जरूरतों को, हर एक पीड़ा, दुख, तकलीफ को तेरे हाथों में सौंपते हैं, विश्वास करते हुए कि प्रभु यीशु के नाम में जो सामर्थ्य है उससे राहत मिलेगी, उससे चंगाई मिलेगा, उससे प्रार्थना का जवाब मिलेगा और शांति मिलेगी हमारे जीवन में, कि प्रभु तूने छू लिया और तूने बचा लिया और तूने सही कर दिया हर एक चीज़ जो सही नहीं है। प्रभु अगर कोई भी यहाँ बीमार है तो आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से इसी वक्त चंगाई को पाए, तेरे सामर्थ को महसूस करे, और प्रभु बीमारी और रोग और तकलीफ वो दूर भागे, ताकि हमारे लोग जो है वो स्वतंत्र होकर तेरे नाम की महिमा प्रशंसा कर सकते हैं। प्रभु हम याद करते हैं जितने भी लोग हमारे सभा को ऑनलाइन सुनते हैं, कि प्रभु जहाँ कहीं पर भी है, फिजी में, विदेश में, कोई एक देश में, प्रभु जहाँ से भी जुड़े हुए उनके लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद उनके विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद कि प्रभु जी हर एक इतवार को वो लोग सभा को सुनते हैं। आज हम दुआ करते हैं कि यीशु के नाम से तेरा जो आशीष है उनके जीवन में पहुंचे, यीशु के नाम से प्रभु जी उनके हर एक जरूरतें पूरा हो जाए, यीशु के नाम से प्रभु जी वो जाने कि तू उनसे प्रेम को करता है, चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे शरीर के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे घरों में, हमारे इलाका में, लेकिन प्रभु तेरा जो नाम है उससे शांति मिलती है, आराम मिलता है, आशा मिलता है, और प्रभु एक जीवन का जो तेरा नक्शा है उसमें हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। हम याद करते हैं अपने जो मेंस मिनिस्ट्री और जितने भी लोग भावलेवु में इस समय, कि तेरा हाथ उनके ऊपर है, जैसे वहां सभा शुरू होने वाला है,
प्रभु यही दुआ करते हैं कि तेरा उपस्थिति जो वहां पर है वो बरकरार रहे। तो अगुवाई को कर, जितने भी लोग ने पर्चा के द्वारा गवाही के द्वारा तेरे वचन को सुना कल, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक घर जो इस इलाका में है, हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति जिसको पर्चा दिया गया, जिसको निमंत्रण दिया गया, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बीमार लोग जिनके लिए दुआ किया गया, हर एक आंगन और घर में जहाँ पर हमारे लोग ने प्रवेश को किया, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए। शैतान का कब्जा जो है वो तोड़ा जाए, शैतान का जो काम है वो तोड़ा जाए यीशु के नाम से। अब प्रभु तेरा जो प्यार और तेरा उपस्थिति उनके जीवन में बन जाए। उस पूरे इलाका को प्रभु हम तेरे राज के लिए मांगते हैं, उस इलाका को प्रभु आज हम तेरे राज के लिए क्लेम कर लेते हैं यीशु के नाम से। अब विनती करते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा जो आत्मिक जागृति आएगा, कि वहां पर प्रभु तेरे लोग जो है वो अपने नजर को उठाकर तुझको अपनाएंगे और कहेंगे हाँ प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा खुदा है जो उनसे प्रेम को करता है। प्रभु आज जो वहाँ सभा होगा वहाँ पर लोग आए तेरे वचन को सुने और प्रभु तुझको अपने जीवन में ग्रहण को करे। और यहाँ पर जैसे आज सभा में मांगे को जाएंगे तेरा उपस्थिति इसी तरह से हमारे बीच में बना रहे, जो वचन हम सुनेंगे प्रभु हम लोगों को काटे छाटे तेरा जैसा बनाए, तेरे करीब लेकर आए। तेरे सेवक को हम तेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से प्रभु जी तू सामर्थ्य और भी बढ़ते रहना, यीशु के नाम से प्रभु जी तू अपने अभिषेकता को और से भी बढ़ते रहना, शारीरिक से भी सामर्थ को देना कि जैसे वो आती आज के लिए आज के वचन बांटने के लिए प्रभु तेरे ओर से रहेगा सामर्थ से भरा हुआ और हम लोगों को तेरे करीब लेकर आएगा। धन्यवाद हर एक लोग के लिए, सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक महिमा हर एक प्रशंसा प्रभु जी तुझको हम लौटार कर देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों जोदा ताने के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रभु की जय, प्रभु की जय। परमेश्वर अच्छा है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हालेलुया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर दिस मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। आप सब बैठ सकते हैं और बहुत ही खास समय है कि हम परमेश्वर का जो वचन है उसको सुनेंगे और थोड़ी देर के लिए अपना जो मन है हम प्रभु की ओर लगाए, उसके वचन की ओर लगाए। हर एक जो डिस्ट्रेक्शन है उसको बगल कर दें, अपने मोबाइल फोन्स को बगल धर दें और अपने धर्मशास्त्र को निकाल कर आगे रखें प्रभु का जो जीवित वचन। और जैसे वो हमारे बीच में जो प्रचार करेगा, जिसे प्रचार करता है, आज हम सोचे कि कैसे परमेश्वर हम लोगों को अपने करीब लेकर आता है और क्या कहता है हम सभी से। तो आज हमारे बीच में हमारे मुख्य पादरी का पत्नी पास्टर एनी माधवन है और आज का वचन उसके द्वारा हम सुनेंगे। प्यारे लोग क्यों ना जोदा तालियों के द्वारा उनको हम स्वागत करें। हम अपन धर्मशास्त्र खोलेंगे। आज का जो विषय है हमारा प्रार्थना, हम पहले पहल पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। और फिर मार्क चैप्टर 9 वर्स 29 जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। और एक और मैं पढ़ूंगे, मैथ्यू 21। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। वही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमें अभिषेक करे कि तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुँचा सको। और प्रभु हम जानने की कितना ज़रूरत है कि हम तुझसे प्रार्थना करें और अपने आप को तेरे हाथों में दे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो विषय है वो है प्रार्थना। हम जानते हैं कि प्रार्थना कितना इम्पोर्टेंट है। एक घर में माता पिता बच्चे रहते हैं और कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, सब अपन अपन रहे
और जो शायद कुछ मांग भी हो तो कैसे मांगे, उस तरह हम भी अपने पिता स्वर्ग पिता से कभी कभी करते हैं। हम चुपचाप रहते हैं और कुछ उससे बोलते नहीं, कुछ मांगते नहीं, तो वो जानता है हमें क्या ज़रूरत है, बट वो अगर करता है कि कब हम अपना मुँह खोल कर उससे बोले, बातचीत करें। जैसे एक माता पिता रहता है अपने बच्चों और हस्बैंड एंड वाइफ, एक फैमिली रहता है, एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, मेल मिलाप करना चाहते हैं, वैसे हमारा स्वर्ग पिता है, वो भी चाहता है कि हम उससे मेल मिलाप करें, अपना रिश्ता उससे रखें, तो कितना अच्छा रहता है। और वो भी खुश रहता है, हम भी खुश रहते हैं कि हम किसी से बातचीत कर सकते हैं, किसी से अपना दुख तकलीफ जो कुछ है उसे बांट सकते हैं। कभी कभी ऐसा समय आता है जो हमारा दुख है, फिर मैं कोई नहीं जानते किससे शेयर करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा चीज़ है हम चाहते हैं बोलने के लिए, बट हम जानते हैं कहीं वह हमारे बारे में कुछ और सोच ले। बट परमेश्वर जो भी कुछ हमारे पास रहे, कोई भी ऐसा रहे चाहे गुप्त रहे कुछ रहे, हम प्रभु से जब बोलते हैं तो वह कभी हमें नकार नहीं है ना, वो सुनता है और ठीक समय में अपना जवाब देता है। जो प्रार्थना है जो मैं पढ़ा है मैथ्यू 21:22 में, सब गारंटी नहीं रहता है। कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें तुरंत जवाब नहीं मिलता है, कभी कभी हम ऐसा चीज मांगते हैं जो परमेश्वर हमें देगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इच्छा क्या है और कौन सी हमारे लिए लाभदायक है। और यहाँ पे जो हम पढ़ा है कहे जीस स्टेटमेंट इज नॉट अ ब्लैंक चेक, वो एक यू नो खाली चेक नहीं है, उसमें कुछ लिखा नहीं कि वह सब कुछ हमारे जो मांगे उसको कर दे। अब जब देखें मार्क 9:20 में पढ़ा है कि ये जो चेले थे वे लोग बहुत ही कठिनाइयों को सामना करते थे ना, और ऐसा समय ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है तो उसको सुलझाने के लिए वो क्या करे, वो प्रार्थना करे। ये प्रार्थना जो है विनती प्रार्थना जो होते हैं वो हमारा विश्वास, हमारे जीवन के जो विश्वास है उसका कुंजी है, यू नो इज अ की टू अनलॉक ऑफ फेथ। और फेथ विश्वास जो है एक यू नो पैसा की तरह नहीं है कि हम बैंक में ले जाकर स्टोर कर दें, है ना, विश्वास ऐसा नहीं है। विश्वास जो है वह अच्छा रहता है कि वह बढ़े। और फिर प्रेयर चेंजेस, है ना, चेंजेस कम थ्रू प्रेयर है कि नहीं। एक्स चैप्टर 12:3-5 हम पढ़े, और जब उसने देखा है कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे और उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा। इस मनसा से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलेशिया उसके लिए लो लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ऐसे हम यहाँ पे पढ़े जब देखे कि पतरस को वे लोग पकड़ लिए, और वो उस समय वहाँ पे पासवा या फता का दिन था और बहुत से लोग वहाँ पे आए थे। और ये जो हेरोद का स्ट्रेटजी रहा कि ये जो यहूदी लोग हैं उन लोग को खुश करने के लिए वो पतरस को पकड़ा और उसको बंद करके रखा प्रिजन में, और वो सोचता रहते इनके उसके एक्सक्यूट कर दे, उनको मार दे। बट क्या होता है, जितने विश्वासी थे वे लोग लगातार प्रार्थना करने लगे कि पीटा को बचा ले। और क्या होता है, परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है। जब हम मिलकर सब लोग किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है और जवाब देता है। बट यहाँ पर प्रार्थना जवाब मिल गया, बट क्या होता है, विश्वासी प्रार्थना करते हैं दरवाजा खुल गया है आ गया,
बट वे लोग विश्वास नहीं करे। वो लड़की जो है रोड आया देखा पीटा के सुना लॉक करता है, वो लौट के भीतर गई और सबके बताता, कोई विश्वास नहीं करे। जब हम प्रार्थना करिए विश्वास से मांगे तो क्यों हमारा विश्वास दम जाता है, क्यों इधर उधर होता है, है? तो यहाँ पे हम देखिए कि परमेश्वर जवाब देता है बट वो कई रूप से देता है और हम समझ नहीं पाते हैं। और दूसरा नंबर टू हम पढ़े हैं प्रेयर चेंजेस, यू नो चेंजेस कम थ्रू प्रेयर। नंबर टू प्रेयर चेंजेस अ नेशन है। हम ऐसा के विषय में देखते हैं ऐसा हो 16 कि तू जाकर शुशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपास करूँगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊँगी, और यदि नाश हो गई तो ना हो गई। ऐसा के विषय में देखे वो अपना जीवन वहाँ पे यू नो सिचुएशन ऐसा जो रखा है कि वो जानते थे कि अगर वो राजा के पास जाएगी बिना बुलाए हुए तो उसका मौत है। बट वो सब सही लोग प्रार्थना और उपास, यू नो ओल्ड टेस्टमेंट में हम बढ़ते हैं कि प्रार्थना उपास दोनों साथ साथ में जाते थे, और ये ऐसा जानते थे। इसीलिए ऐसा और मोर्दकै अपने आप को पूरा परमेश्वर के हवाले कर दे और वो प्रार्थना किया, और क्या होता है कि परमेश्वर जो जो दुश्मन ने रहा वो लोग बदल दिया इनके जीवन। जितना है यदि लोग वे बच गए और जितने वहाँ के जो रहे जो उनके विरोधी थे सबको मारा गया। फिर हम देखें कि वैरायटी ऑफ प्रेयर यानी बहुत ही तरह का प्रेयर रहता है, पटिशन प्रेयर है ना। फिलिपियंस 4:6-7 फिलिपियंस 4:6-7 किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सब समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। विनती प्रार्थना और निवेदन पटिशन पे हम देखें कौन बोलता है कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। एक कहानी में बताते हैं बिहार में ड्यूरिंग कोरोना वायरस के समय एक कपल रहा, उनके पास एक छोटी 5 मंथ्स बेबी थी और जो स्त्री थी वो नर्स थी और अस्पताल में, और उस समय पेंडेमिक के समय अस्पताल में इतने डॉक्टर्स नर्सेस बहुत बिजी थे मरीजों को लुक आफ्टर थे, तो ये बेचारी भी अस्पताल में रही, उसके 5 महीने के बच्ची उसके पति देख रहा था, और वो घर नहीं आ सकी, और अंत में क्या होता वो भी बीमार हो जाती है अस्पताल में भर्ती। अब पिता बेथरायन वरी करने लगा, अब कैसे करें, पैसा भी उतना नहीं है, अब बच्ची के लिए दूध चाहिए। तो वो अपने पड़ोस में गया और कहा कि मुझे मदद चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं कैसे बच्ची के लिए दूध खरीदूँ उनके पिलाऊँ। कोई नहीं मदद किया, वो होटल में गया और कहता प्लीज़ मुझे दूध की ज़रूरत है। तब वहाँ का जो मालिक था और 2 पैकेट उसको दिया लिक्विड मिल्क और वो ला कर अपन बच्ची को पिलाए। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत दिन तो नहीं चलेगा, थोड़ा दिन, अब जानते बच्चे लोग के समय समय पर दूध देना है, अब ख़त्म हो गया, अब वो क्या करें, बहुत परेशान था। तो वो प्रार्थना किया, प्रार्थना करके सवेरे सुबह उठकर और रास्ते में गया, और जानते हैं इंडिया में बहुत से जगह जगह उसे चाय बेचते हैं, तो यह आदमी एक चाय वाला जो बना रहा था उसके पास गया, कहता भाई मुझे तो दूध की ज़रूरत है, मेरी 5 महीने के बच्ची बिना दूध के है, मैं कैसे करूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं दूध खरीद सकूँ। तब
ये जो दूत वाला ने, अरे चाय वाला ने कहा, तो जानते हो ये पुलिस का सेक्शन है, इसमें मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। पटिया आदमी कहा कि भाई तुम्हारे पास भी बच्चे हैं, तुम समझते हो कि एक बाप के पर क्या बीतता है। वो आदमी के दिल भटक गया, वो गया लिक्विड मिल्क 2 पैकेट लाकर 2 लीटर्स और इस आदमी को दिया। दूर में थोड़े दूर में पुलिस सुन रहा है क्या होता है। वो आया और अपना जेब से पैसा निकाल कर इस आदमी को दिया और कहता है या जाओ। और तो कहे कौन बोलता है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। वो आदमी खुश घर चला गया और वह उसके यही सवाल रहा है कि कौन बोलता है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर सुनता है और अपना समय वो हमारे प्रार्थना का जवाब देता है। देखिए नंबर 2 है थैंक्सगिविंग प्रेयर, 1 Timothy 2:1। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। हम इसमें चुप जाते हैं, है ना। थैंक्सगिविंग टू गिव थैंक्स ऑल मैन। हम इस देश में रहते हैं, हमारा कर्तव्य पड़ता है कि हम अपने अगुए गवर्नमेंट लीडर्स देश के लिए, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम कभी कभी चुक जाते हैं और यहाँ पॉल हमें उत्साहित करता है कि हम हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। दूसरों के विषय में सोचते, कभी कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं, खाली अपना, हम अपन बारे में सोचते हैं, और बट हमारा कर्तव्य बढ़ता है कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें और सबके लिए धन्यवाद करें। 3 वर्शिप प्रेयर, वर्शिप के रूप में साम 100 कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। परमेश्वर का धन्यवाद करो। कभी कभी हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कि बोलो थैंक यू, राइट। हर कुछ चीज मांगे तो देता है तो बोलो थैंक यू, प्लीज और थैंक यू, मैंने सिखाते हैं। बट हम अपने आप भूल जाते हैं कि स्वर्ग पिता को धन्यवाद करें। प्रतिदिन वो हमें सब कुछ देता है, अगर हवा नहीं रही तो हमारा सांस नहीं है। रोज सवेरे हम लोग जब उठते हैं, आँख खुलता है, परमेश्वर के धन्यवाद दो कि पहला फर्स्ट थिंग है कि हमें जिंदगी दिया। कोई कोई सवेरे उठ नहीं पाए, खत्म, बट हमें जिंदगी मिला। हम सवेरे उठते जागते हैं, उठ के सुबह तो हम लोग धन्यवाद देते हैं, है? कितना जरूरत है उसके धन्यवाद करने के। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे मेरे खुदा, है ना। कितना जरूरत है धन्यवाद के। हम एक दूसरे का धन्यवाद देते हैं, क्यों नहीं परमेश्वर को भी धन्यवाद करें और उसके आराधना और जय जयकार करें। नंबर 4 है सप्लिकेशन, है इंटरसेसरी प्रेयर। और अब देखे पहले पढ़ा रहा है कि पीटर को प्रिजन में रखा गया और लोग विश्वासी लोग उसके लिए प्रेयर हुए इंटरसीड के और परमेश्वर ने जवाब दिया और पतरस को छुटकारा मिल गया। और तो हमें भी एक दूसरे के लिए इंटरसीड करें, खास करें। हम जब पढ़ते हैं पुराना नियम में हैना को, वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया कि वो चाहती थी उसको एक बच्चा मिले और कहा कि मुझे एक बच्चा दो परमेश्वर और मैं उसे लौटा कर तुम्हें। कभी कभी हम गॉड को प्रॉमिस करता है गॉड हमें ये देना, हम फिर यू करेगा, बट हम भूल जाते हैं ना, मेक फॉल प्रोमिस रहता है। बट गॉड ऑलवेज फुलफिल्स हिज प्रोमिस, उसका जो वायदा है हाँ हाँ रहता है और वो पूरा करता है। हम चुक जाते हैं बट वो नहीं चुकता है, वो हमारा प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है। डेनियल से हमने सीखे कि वह डिसिप्लिन प्रेयर में रहा, है ना, जीवन में डिसिप्लिन रहा। कितने बार हम प्रेयर करते हैं, हम लोग सवेरे उठते हैं रश करते हैं, है? एवर परमेश्वर का वचन भी नहीं पढ़ते प्रेयर करें, है? रश रश। मैं अगजान कर देखा जब मैं सवेरे उठकर और टाइम लेके 1-2 चैप्टर पढ़ के प्रेयर करके हम किचन में आते हैं, समय ऐसे सब कुछ हो जाता है। बट जो नहीं करे जन कुछ होते नहीं है, सब गड़बड़ा है।
तो हम जब पहला सवेरे जब उठते हैं उसी समय परमेश्वर के अपने आप को दे दे तो उस दिन बहुत सुहाना रहता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता मदद करता है। तो इम्पोर्टेंट है कि अपना जो लाइफ है डिसिप्लिन करे प्रेयर में। नंबर 5 है इंटरसेसरी प्रेयर। साम 122 6-9 ऋषम के शांति का वरदान मांगो। तेरी तेरे प्रेमी कुशल से रहे, तेरी शहर पहना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगीतियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तू में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी ही भलाई और यत्न करूँगा। यहाँ पे दाऊद प्रार्थना करता अपने लिए नहीं, वो देश के लिए, देश के प्रजा के लिए, जितने लोग उस देश में रहते सबके लिए प्रार्थना है। जानते हो जो शाम से दाऊद का प्रार्थना है और उसका जो प्रेसेस है परमेश्वर के लिए, वो कितना ऋण रहा परमेश्वर के हर वक्त वो करता रहा और हर वक्त वो प्रार्थना में समय बिताता था। तो कितना जरूरी है हम इंसान प्रार्थना प्रार्थना में चुके नहीं, केवल अपने बारे में नहीं दूसरों के लिए भी जरूरत है। हम अपने गिरिघर के हर एक जन के लिए प्रार्थना करें, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करें और फिर उसके बाद धन्यवाद दे कि परमेश्वर तूने चंगाई दिया है और उसके लिए धन्यवाद है। हरे करे। नंबर 6 है पुटिंग प्रेसेस टू योर प्रेस। लूक चैप्टर 11 वर्सेस 1-4। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमारे भी तू सिखा, हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन में हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमारे परीक्षा हमें परीक्षा में ना ला। ये प्रभु यीशु मसीह जब चेले ने उससे कहा कि हमें प्रार्थना करने सिखाओ तो प्रभु यीशु मसीह पहला चीज कहा क्या, कि हे स्वर्ग पिता जो तू स्वर्ग में है, पहला परमेश्वर के धन्यवाद, उसको स्तुति, उसकी आराधना करे, तो फिर हमारे है सब बड़े है ना। हम लोग ये जो प्रिया है चाहिए बाहर जाना है ना, द लॉर्ड आमीन और फादर वी चैट इन हेवन। अच्छा देखना ओडा में कैसे है, जीसस प्रेसेस गॉड है ना, तो फिर वो रिक्वेस्ट करता है, बट हम लोग अपना रिक्वेस्ट फर्स्ट करेगा तब तो लेते हैं है ना। बट यहाँ जीसस हम लोग को सिखाता है कि पहले परमेश्वर के प्रेस करो, उसको धन्यवाद, तो फिर अपना रिक्वेस्ट करें। जहाँ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं तो हमारा दिमाग भी ठीक रहता है ना, स्टेट माइंड में रहता है। और कभी कभी हमारा जो प्रार्थना है एक शॉपिंग लिस्ट करे कम रहे, लंबा लिस्ट रहे, ये चीज़ मांगता वो चीज़ मांगता है, एक करो, बट परमेश्वर के धन्यवाद स्तुति करें, वो हमारा फस वो नहीं आए बट इम्पोर्टेंट रहे ना। तो हमारा जो फोकस है ऑन द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेयर, बी कॉन्टेंट, इट्स कॉन्टेंट, क्या हम प्रार्थना करते हैं और कौन रकम से लोग मानते हैं, धीरता से नो वी नो परसिस्टेंट प्रेयर और फिर थैंकफुलनेस प्रार्थना करके, थैंक यू गॉड कि तुम्हारे प्रार्थना को सुना और जब जवाब मिलेगा है। कभी कभी लोग खाली मांगते रहते हैं, थैंक यू बोले के या धन्यवाद करे के पास है ना, बट वही हम लोग का प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि ओडा में जाओ है ना, कि क्या हम लोग करते हैं। कभी जब हमें प्रार्थना, जब परमेश्वर हमसे प्रार्थना करता हम सुनने के तैयार नहीं है। कभी कभी हम लोग इन अ वॉइस ऑफ है हम लोग के पता है ना, कभी कभी हम कपड़ा तार में जब छोड़े मांगता तब पानी हम प्रयास कर गए कि परमेश्वर थोड़ा मेरे कपड़ा झुरा दे दो, तब और फिर थोड़ी देर में हमारे आई आवाज़ है
क्या कपड़ा उतार लो। कभी कभी हम सुनता है तो हम जा गए, कभी कभी इधर चुक जाता है पानी जबरा सा, ओ ये ना वॉइस जो है वो हरदम उनका रिमाइंड करता है करते है, तो हम लोग यू नो बट हम लोग कभी कभी तैयार नहीं रहते सुनते के लिए। एक सॉरी बता, एक परिवार था बहुत गरीब था, उसके अलमारी में उसके किचन में कब एकदम खाली, एक भी चीज नहीं था। माता पिता बूढ़े दे थे, दो बच्चे थे और ना पैसा था, कैसे करे सौदा ला नहीं सके थे। बट जब लड़का कबट खोला तो एक ही चीज मिला और वो शॉटगन रहा, एक बंदूक बहुत पुराना। और जो लड़का बहुत भूखा था और उसके अपने परिवार के देखता उनके आँख में वो भूखा है, भूख है वो देखता है तो वह कौन जी कर सके। तो सोचा अच्छा ये गन ले जाइए बंदूक और मैं जाऊँगा और कुछ कोशिश करूँगा, कुछ खोज कर लेकर आऊँगा अपने परिवार को खिलाने के लिए। तो वो गया जंगल के बगैर, तो एक रैबिट के देखा तो शूट करा, मिस कर दिया और खाली तीन गोली रहा, खाली तीन। अच्छा एक शूट करा रैबिट मिस कर दी, दो ही गोली बचा। फिर वो एक स्क्विरल के देखा पेड़ में, तो अपना निशाना लगाया पेड़ में और मारा, वो भी मिस कर दिया। अब एक गोली बचा, अब क्या करेगा। फिर और भीतर गया जंगल में, और भीतर गया तो देखता है एक वाइल्ड टेकी, टेकी ये सब एनिमल हमको फिज नहीं है टेकी, और वो जानता था खाली एक बुलेट बचा है, एक गोली अब कौन सी करे। बट उसके आवाज आया सही, प्रे फर्स्ट, एम हाई एंड स्टे फोकस्ड, प्रया करो पहले तो फिर ऊपर के एम करो ऊंचा और फोकस यानी ध्यान दो। थोड़ी देर या सोचा क्या करे, एक गोली है तब दूर में देखता है एक डिया, तो खूब केवल से एम करा, एम से तब कहता है पैर में कुछ उसको मालूम हुआ, कुछ हो कोई लपेटे कुछ, देखता है एक स्नेक रटलते उसके पैर में दोनों लिपटा गया। अब वह क्या करे सोचता है, वो नीचे करा अपना बंदूक और स्नेक को शूट करे। तो सोचा अगर मैं उस स्नेक को मार दूंगा और वो डिया वहाँ उसके नहीं मार पाए तो हमारा परिवार में कुछ हो जाएगा, मैं क्या करूँ। फिर ये आवाज़ आया, प्रार्थना करो, एम ऊपर एम करो निशाना और ध्यान दो। तो क्या कह रहा, अपना जो बंदूक रहा पेड़ के ऊपर एम करा, हाय गोली चलाया, ऊपर टकिरा वो गिरा नीचे, और एक मिरकल हुआ वो जो गोली रहा वहाँ से बाउंस होके जाके डिया में लगा, और डिया में तो डिया और टेकी दो मिल गया, और जो बंदूक वही टाइम टूट गया उसके हैंडल गिरा सांप के ऊपर, सांप मर गया और वो इम्पैक्ट के द्वारा वो पानी में गिरा। तब पानी में से जब निकल गया है तो क्या हुआ, उनका दोनों जेब मछली, खुशी हुआ वो सब लेकर आनंद से अपना घर पर गया, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ सुना और प्रार्थना किया। कहता है प्रे एम हाई एंड देन फोकस। तो कौन बोलता मैं प्रार्थना नहीं सुने, परमेश्वर सुनता है, ध्यान देना है, अपना समय निकालना है इम्पोर्टेंट रहेगा। कभी कभी हम लोग एक मुश्किल काम होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कैसे करें, कौन सी करे, कैसे इसके समाधान करें, इसका समाधान क्या होगा। जवाब आता, आवाज़ आता है प्रार्थना करो,
प्रार्थना में हम चुप जाते हैं, जब हम लोग के कुछ गड़बड़ी हो, जब हम लोग कुछ नीड करता है तब प्रेयर करें, अच्छा समय हम लोग भूल जाते हैं। व्हेन एवरीथिंग इज यूज वी फॉरगेट, बट इन एवरीथिंग वी मस्ट गिव थैंक्स, चाहे अच्छा दिन या बुरा दिन, कठिन समय अच्छा समय, सब में परमेश्वर से प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, एंड लेट योर फोकस स्टे ऑन गॉड। इसे हम ये इंग्लिश में पढ़ेगा, इट इज द लॉर्ड योर गॉड यू मस्ट फॉलो एंड हिम यू मस्ट रेवरी, कीप हिज कमांड एंड ओबे हिम, सर्व हिम एंड होल्ड फास्ट टू हिम। व्हेन यू हियर द वॉइस स्पीकिंग टू अस, वी डोंट टेक हीड, इट्स ऑलवेज गुड टू लिसन व्हेन गॉड स्पीक्स। सच है कि नहीं, हमें हर वक्त सुनना चाहिए जब परमेश्वर का सुनता हूँ। अच्छा एक गीत है, हम खाली पढ़ेगा इसका जो है टेलीफोन टू ग्लोरी, मंगता आपको सबको ये ला सॉन्ग में देखो, ये हम लोग पहले बहुत गाता रहा, तभी हम लोग गाता नहीं है। कैसे है, टेलीफोन टू ग्लोरी, ओ व्हाट जॉय डिवाइन, आई कैन फील द करंट मूविंग ऑन द लाइन, Made my God the Father for His very own. You might talk to Jesus on this royal telephone. You gotta say, central, never busy, always on the line. You can hear from heaven almost any time. It's a royal service built for one and all. When you get in trouble, give this royal line a call. There will be no charges. Telephone is free. It is built for service just for you and me. There will be no waiting. On this royal line, telephone to glory always answers just in time. कितना सच है ना, इसमें हम लोग पैसा नहीं भरना पड़ता है, फ्री लाइन है, जब हम चाहे तभी हम लोग परमेश्वर से बातचीत करें है। ये परमेश्वर माँ कितना महान है, चाहे हम गलत करते हैं, चाहे हम जिन्हों दूर चला जाते हैं, बट परमेश्वर उसी तरह हमसे प्यार करता वो बुलाता है, और जब हम पुकारते हैं, जब अपना लाइन कनेक्ट करते हैं परमेश्वर से, वो सुनता है, कभी त्यागता नहीं है। यानी हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तो कितना महान है, तो हमसे कितना प्रेम करता है, चाहे हमारे किसी भी दशा में हम है, तू हम हमारे प्रार्थना को सुनता है, हम जाए फिसल भी जाते परमेश्वर, तू हमें लेकर फिर आता है, और जहाँ हम तुमसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो हर वक्त हमारी प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है। धन्यवाद परमेश्वर, तो हर एक को साथ मदद करे कि हम भूले नहीं कि जब हम तेरी आवाज़ को सुने तो हम टुकराए नहीं, बट आवाज़ सुनकर और अपना जो निशाना है वो ऊपर उठाए, और परमेश्वर तो हमें मदद करे, तो अगुवाई करे। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्यों ना जो दाता के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हर इतवार को हम सुनते हैं, अभी इस महीना प्रार्थना के बारे में बहुत ही ज़रूरत है कि हम प्रार्थना करें, वी मस्ट प्रे, और अपने आप को हम जांचें कि कितना समय हम बिताते हैं प्रार्थना में, अपने जीवन में कब कब हम प्रार्थना करते हैं, जब मुसीबत आता है, जब खुशहाली रहती है, जब जीवन में कुछ अच्छा चलता है कि बुरा चलता है, लेकिन परमेश्वर याद दिलाता है हर वक्त हर समय हम लोगों को प्रार्थना करना है। प्रभु की जय। सर टेलीफोन लाइन ना, जैसे आंटी ने आज बताया इस गीत के द्वारा, कितना समय हम लोग बिताते हैं अपने फ़ोन पर, लेकिन अगर हम परमेश्वर को घंटी लगाए, उससे बातचीत करें, सब काम अवेलेबल रहे, वोडाफोन डिजिटल के नेटवर्क डाउन हो जाए, लेकिन परमेश्वर के नेटवर्क कभी नहीं डाउन जाए। प्रभु की जय। वी आर ऑलवेज कनेक्टेड, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट बाइंग डाटा और you know paying our bills, it is all free, we can talk to the Lord all the time, praise the Lord, hallelujah। sabhi ko dhanyawad dete hain yahan upasthit hone ke liye, aur aaj bahut hi khas din hai kyunki hum prarthna ke bare mein baat karte hain, aap sab yahan par hai, aur apne desh ka jo independence day hai usko hum celebrate bhi karte hain is saptah, 50 years you know since we had freedom, our independence, and at the same time we also have our men who are इन बालेपुर राइट एट दिस मोमेंट डूइंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही खास दिन है, और आगे जाने से पहले हम लोग स्वागत करना चाहते हैं कुछ लोग जो पहली बार या थोड़े दिन के बाद हमारे बीच में आए हैं, आपको हम स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच में आंटी मधु है, सिस्टर आरती का माँ, क्यों ना अपने हाथ उठा लें, जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम स्वागत करें। और हमारे बीच में बहन मेरे एंड रेड्डी है, भाई रेड्डी उधर किनारे बैठे हैं, वी जस्ट वांट टू वेलकम यू।
थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए. अपने इस परिवार में आपको हम स्वागत करते हैं. प्रभु का आशीष आप सभी के मिले. मैं जल्द से सूचना देता हूँ और उसके बाद में कुछ और काम है. आप वापस नहीं है भले, लेकिन आप जल्दी नहीं जाएंगे आज घरे, और भी कुछ करना है. लेकिन इस सप्ताह का जो सूचना है वो है हमारा दूसरा सभा अंग्रेजी में 11 बजे रहेगा, लेकिन रात्रि को कोई भी सभा नहीं रहेगा क्योंकि हमारे जो मेन्स है वो लोग अभी उधर है और फिर बाद में लौट कर आएंगे. तो आज कोई भी सभा नहीं रहेगा और रात्रि को सॉरी और सेकेंड सर्विस तो रहेगा. ट्यूजडे को प्रेयर एंड फास्टिंग रहता है 6 बजे से और बाइबल स्टडी. आप सभी को हम निवेदन करते हैं प्लीज़ समय निकाल कर आए. आज आपने सुना प्रार्थना के बारे में. हम सुनते रहेंगे लेकिन अगर उसको प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है ना. वी मस्ट पुट इनटू प्रैक्टिस व्हाट वी आर लर्निंग. एंड वन वे दैट वी कैन स्पेंड टाइम इन प्रेयर इज व्हेन यू कम टू द चर्च एंड टुगेदर एक साथ में हम मिलकर प्रार्थना करते हैं. तो आप आए ट्यूजडे को. बहुत कम लोग आते हैं अगर हम देखेंगे आज के मेम्बरान जो अटेंडेंस में है और कितने लोग आते हैं. मे बी 1-5% आता होगा ट्यूजडे को खाली. लेकिन अगर आप सब आए इस जगह से भर जाए, इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे मिलकर, आप सोच सकते हैं क्या होगा. शैतान का हर एक बंधन टूटेगा, परमेश्वर का जो राज के काम है वो आगे बढ़ेगा. प्रभु की जय. हालेलुया. ढेर जन आमेन बोली से एक ही टाइम में, तो हम एक्सपेक्ट करते आप लोग सब आएगा. थर्सडे को हमारा जो लाइव ग्रुप मीटिंग से वो जारी है और आप अपने बुलेटिन को देख सकते हैं. पीछे बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप प्लीज़ अपने एरिया मिनिस्टर को संपर्क कर लेना. कल एक चेंज है कि नंदेरा नेपाली नंदावा और नरेरे मकोई नसोरी दोनों ग्रुप एक साथ में मिलकर भाई रॉबर्ट नरसैया के घर पर मुलाकात करेंगे और ये रहेगा वेंसडे को. और आप सब जानते हैं कि भाई रॉबर्ट अभी थोड़े दिन पहले बहुत ही सख्त बीमार हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक नया जीवन दिया और हम लोग वहाँ पर जाएंगे परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए, उसके जीवन के लिए धन्यवाद देने के लिए. अगर आपके एरिया में कोई भी प्रेयर मीटिंग नहीं है प्लीज़ आप अपने एरिया मिनिस्टर को ज़रूर से संपर्क कर पूछ ले कि क्या हो रहा है उनके आपके एरिया में. फ्राइडे को एक खास दिन है. हमारा जो फैमिली नाइट रहता है, मेंस वुमेन्स और चिल्ड्रन आते हैं. और इस सप्ताह बहुत ही स्पेशल है क्योंकि चर्च की तरफ से हम लोग कुछ जो हेल्थ चेक है उसको ऑर्गेनाइज किया है आप सभी के लिए कि यहाँ पर आपका जो हेल्थ है, शारीरिक हेल्थ, उसको चेक किया जाएगा ना. इतवार को हम आते हैं अपना स्पिरिचुअल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, आत्मिक जो अपना हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए. लेकिन फ्राइडे को यहाँ पर हेल्थ चेक होगा. आप सभी को हम निमंत्रण देते हैं. अगर आप अभी तक नहीं आते हैं फ्राइडे के, कोई बात नहीं, ये सप्ताह ज़रूर से आए. और आप आएंगे, आपका जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, वो चेक किया जाएगा. एक डॉक्टर रहेगा आपको चेक करने के लिए. आपका आँखी चेक किया जाएगा. तो ये सब यहाँ पर होगा. आप ज़रूर से आए, देखें कि क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं. और इसके साथ साथ में आपके लिए प्रार्थना भी किया जाएगा. अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए प्रार्थना भी किया जाएगा. तो खाली हम लोग हेल्थ चेक नहीं करेंगे, हेल्थ को ठीक भी करेंगे प्रार्थना के द्वारा. तो आप सब विश्वास करते हुए आए और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे. अगर आप बहुत ही हेल्थी है, सब कुछ ठीक है, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देंगे. नहीं ठीक है तो उसको ठीक करने के लिए काम होगा और प्रार्थना होगा. प्रभु की जय. लेकिन आपके निवेदन की ज़रूरत है क्योंकि चेक करना थोड़ा समय लगता है, इसीलिए हम लोग 6 बजे से शुरू करेंगे. आप प्लीज़ कोशिश करना 6 बजे से आने के लिए ताकि हम लोगों को थोड़ा समय मिले, एक एक जन को चेक किया जा सकता है. ठीक है, प्रेज द लॉर्ड. हमारे गिरजाघर में कई एक लोग हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में बिलोंग करते हैं और सभी लोग एक साथ में मिलकर आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज है. और गिरजाघर ने भी कुछ चीज़ों को अरेंज किया हमारे लिए. आप आए एक साथ में मिलकर, हम अपने शारीरिक जो हेल्थ है उसके बारे में देखेंगे, उसको चेक करेंगे. और परमेश्वर ने जो ये दान दिया है शरीर को, उसको देखभाल करना हमारा फर्ज है ना. वी मस्ट लुक आफ्टर this temple that God has given to us because he lives inside of us. Praise the Lord. So please do come. We want to see all of you. Bring your family, bring your children. Ladkan ke bhi check hoga, aaki wagera, to aap zarur se aaye aur isme sahyog ko dein. So ye Friday ka ratri ka program hai aur Saturday ko music practice rehta hai. 3 baje se aap aakar bhag le sakte hain. Aur aane wala saptah hamara jo aradhana aur mahima ka sabha rehta hai 8:30 baje hindi mein aur angrezi mein 11 baje aur Sunday school 8:30 baje उसी समय पर रहेगा. और भी जो सूचनाएं हैं आप बुलेटिन में दे सकते हैं. जो बिल्डिंग फंड है वो रहेगा नवंबर में. आप इसके लिए तैयारी करें. $150 और मो आप लेकर आके परमेश्वर के राज के लिए दें. और हमारा जो चिल्ड्रंस ऑनलाइन संडे स्कूल होता है, आपके बच्चे सुबह आते हैं यहाँ पर संडे स्कूल अटेंड करने के लिए, कोई बात नहीं, अच्छा है. लेकिन सांझ को 3:00 सिर्फ 10-15 मिनट्स के लिए संडे स्कूल ऑनलाइन प्रोग्राम होता है फेसबुक पर और यूट्यूब पे. प्लीज़ आप अपने बच्चों को ऑन करके दे सकते हैं. बहुत ही मेहनत लगता है ये सब बनाने के लिए. और हमारे गिरजाघर के जो टीचर्स है और भी लोग, ये
इसको बनाते हैं, आप इसमें भाग लें और कृपया करके शेयर करें वीडियो को, शेयर करें और लाइक करें। जितना भी जो हमारे गिरजाघर का वीडियोस है, अगर आप शेयर और लाइक करते हैं, क्या होता है, आपका जितना भी मित्र है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपके फ्रेंड्स जो है, वो सब देखते हैं उसको, और इन अ वे यू आर प्रोक्लेमिंग द गॉस्पल। प्रेज द लॉर्ड। बिना कहीं पर जाए, बिना किसी के घर पर जाकर आप अपने, अगर हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, हमारे पोस्ट को शेयर करते हैं, आपका जितना भी परिवार के लोग हैं वो सब देखते हैं क्या परमेश्वर कहता है उनसे। प्रभु की जय। और खास करिए जो संडे स्कूल का ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसको आप प्रमोट करें, बताएं और भी बच्चों को, अपने परिवार में बच्चों को बताएं कि वो भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आने वाला सप्ताह जो क्लीनिंग और फ्लावर अरेंजमेंट का काम नहीं, प्रिविलेज है, वो है सब किनोया लाइव ग्रुप का। आप आए और चर्च को साफ करें और जो फ्लावर्स उसको सेट करें। डब्ल्यूएम की ओर से भी सूचना है कि अगर आपका प्लेज है, ड्यू है, तो आप ज़रूर से दें। वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड है पीछे, मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग देखते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो आपका नाम लिखा हुआ है, अगर आप स्त्री हैं, और आपके नाम के बगल में कभी नहीं देखा तो ब्लैंक होगा, आपको डब्ल्यूएम प्लेज देना है। प्लीज़ मेक श्योर करना, अपना नाम आज जाने से पहले चेक कर लें, और आंटी रुकमणी है पीछे या डब्ल्यूएम का कोई भी है, आप उसको अपना जो प्लेज है उसको पूरा कर सकते हैं। प्रभु की जय। हालेलुया। और ऑफरिंग जो है हम आखिरी में कलेक्ट करेंगे, लेकिन इस समय हम अपने देश की आज़ादी को याद करेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे। हमारे बच्चे वो तैयार हो रहे हैं पीछे, लेकिन जैसे वो तैयार होते हैं मैं आग्रह करता हूँ मुख्य पादरी वो आए और हमारे जो मेन्स टू है उसके बारे में बताए, क्या हो रहा है बॉलीवुड में और क्या हुआ है पिछले दो दिनों से, और उसके बाद अपना जो फिजी डे सेलिब्रेशन से उसमें हम आगे को बढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने ब्लू पहना है, रकम रकम के वस्त्र को पहन के आया है फिजी डे सेलिब्रेट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों ना एक दूसरे को हम तालियां के द्वारा बधाई दें। यू ऑल लुक वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। ब्लू फिजी के कलर है ना, हम भी ब्लू पहन के। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दे अपने देश के लिए, और हम प्रार्थना करें जिसे बाइबल में बताया जाता है, अपने देश अपने अगुआ लोगों के लिए, जो सरकारी अगुआ लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। और आज कल 50वां वर्षगांठ था, 50th एनिवर्सरी, और मैं इसके विषय में सोच रहा था, जो पहले बार जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो मैं वहाँ पर था एल्बर्ट पार्क में देखने के लिए क्या हो रहा था, बड़ा सुहाना समय था। उसी तरह से कल टीवी में भी देखा, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग याद करते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश, अपने आप जिम्मेवारी अपने आप को संभालते हैं, मुसीबत भी है, अच्छा भी है, कष्ट होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये हमारा देश है। प्रेज द लॉर्ड। और इनफैक्ट हम लोग खुश हैं कि आज हम लोग फिजी में हैं। जो लोग बाहर देश में हैं, बहुत भारी आपत्ति है, COVID-19 के कारण सब बंद है। प्रेज द लॉर्ड। और शायद कुछ कुछ लोग वहाँ से आए हैं फिजी घूमने के लिए, वे यहाँ पर बंद हो गए, नहीं जा सकते फिर लौट कर। कुछ लोग फिजी के वहाँ पर है, वहाँ बंद है, वे लोग नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये बीमारी का। लेकिन हम लोग खुश है, परमेश्वर के हाथों से कोई चीज़ बाहर नहीं है। ही इज़ गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, एंड ऑल वी हैव टू डू इज ट्रस्ट हिम, कीप लुकिंग टू जीसस, एंड वी विल बी विक्टोरियस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर साल हमारे मेन्स मिनिस्ट्री दे वे जाते अपना मिशन टू हमें, ये साल 30th यह है, 30 साल से वे लोग जा रहे हैं हर साल जगह जगह पर, ज़्यादातर 3-4-5 रोज के लिए, हफ्ता के लिए जाकर घर घर सुसमाचार प्रचार किया जाता है, इवेंजलिस्टिक मीटिंग किया जाता है। 30 साल से मेरे ख्याल से सिर्फ एक साल नहीं गए थे 2000 में जब कू हुआ था, लेकिन उसके बाद हर साल हम लोग जाते हैं। ये साल भी उनको जाना था, कहीं थोड़ा दूर जाना था, लेकिन ये COVID-19 के कारण हम लोगों ने थोड़ा छोटा कर दिया उसको, भारी तरह से नहीं कर पाए। तो ये लोग सब निर्णय किए कि ये लोग बॉलीवुड जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ दिनों से काम बंद था, जब से लॉकडाउन हुआ उस समय से काम बंद था, वहाँ पर हम नहीं कर पाए थे। और प्रार्थना करें हम परमेश्वर से कि इस जगह का कार्रवाई फिर से शुरू हो। तो मेन्स मिनिस्ट्री करीब 16-20 है, मुझे नंबर नहीं मालूम कितना है, अबाउट आई थिंक अबाउट 20 लोग यहाँ से गए शुक्रवार के रात्रि को, और वहाँ पर बिताए हुए शुक्रवार रात्रि को बातचीत किए, मेल मिलाप किए और तैयारी किए। शनिवार के दिन में वे लोग गए घर घर ट्रक्स बांटने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, और मुझे बताया गया कि 68 होम्स में लोग गए
प्रार्थना किए, निमंत्रण दिए, बातचीत किए, उनको पर्चा दिया गया, ये सब चीज किया गया जिसमें कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाने। क्यों नहीं ताली बजाकर उनको बधाई दें। प्रेज द लॉर्ड, वी जस्ट वेलकम। कई एक लोगों के लिए प्रार्थना किया गया। वे वहाँ पर, ये एक बहुत ही कट्टर हिंदू जगह है, बहुत से लोग वहाँ पर जो है परिवार के लोग हैं, तो इसके चाहते हैं आने के लिए, अगर एक आना चाहता है दूसरा रोक लेता है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं पर एक अच्छा ब्रेक थ्रू हो। अगर एक परिवार पूरी रूप से यीशु मसीह में विश्वास करके हिम्मत बांध के और अपने आप को यीशु को दे दे, तो मैं जानता हूँ वहाँ पर बहुत कुछ। मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये काम होगा। हम लोग प्रार्थना करते रहे, विश्वास करते रहे। Let's just continue to pray that we have a tremendous breakthrough in that area, and we will. So the work starts this week. आज कल रात्रि को हम लोगों ने सभा किया, और आज दिन में 9 बजे सभा हुआ वहाँ पर, और हर हफ्ता 9 बजे वहाँ पर सभा होगा, शुरू होगा। जितने लोग आएंगे आएंगे, कुछ पुराने लोग आते थे वे लोग कल रात्रि को आए, 3-4 लोग जो पहले आते थे उसमें से कुछ लोग आए और इस सभा में भाग लिए। उनका किड्स मिनिस्ट्री जो हुआ था, सिर्फ 4 बच्चे आए। ये लोग जब निमंत्रण देने गए तो कोई कहीं शादी में जाना था, कोई ये करना था, कोई वो करना था, बहुत शॉर्ट नोटिस रहा, लेकिन फिर भी उनको मालूम हुआ कि बच्चों के लिए हम लोग कुछ करते हैं। तो 7 चिल्ड्रन केम, 7, 7 लोग आए, 7 बच्चे आए, और उनको यीशु मसीह के विषय में बताया गया, और हमारे जो किड्स मिनिस्ट्री टीम है बहुत ही सुंदर तरह से पेश किया प्रोग्राम। और हम प्रार्थना करें इनके लिए कि वे बच्चे जो हैं, जो वचन को सुना है, वो विश्वासी बने और परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैन यू मीन, जो आदमी लोग गए उनके लिए हम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये कोई सहज काम नहीं है, अपने घर से निकल कर जाओ और जहाँ पर जाकर, वह जैसे दूसरे जगह पर जाते हैं सोने के लिए, अच्छा जगह नहीं है, पानी वगैरह फ़र्क है, ठंडा ठंडा पानी में नहाते और जो कुछ करते हैं सब एकदम न्यारा है, बिल्कुल न्यारा। और इस कारण से वे त्यागते हैं, डिटरमिंड टू गो, गए वहाँ पर कि हम लोग जाएंगे वहाँ पर, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति, कोई दुख सहना पड़े, लेकिन हमारा एक मकसद है कि हम सबको सुसमाचार प्रचार करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनील्स वाइफ इज हियर, सुनील फ्रॉम बॉलीवुड, प्रेज द लॉर्ड। पहली बार मैं उसको मिला था वहाँ पर बॉलीवुड में, और एक स्त्री वहाँ पर है, एक आदमी जिसका नाम है जगदीश जग्गा उसको कहते हैं, उसके पत्नी भी इतोके है, उसके नाम है कलेनी। अभी नहीं मिला मुझे, लेकिन मुझे याद है जब मैं शुरू में गया था वहाँ 2002 में, और वेरेंडा में खड़ा होकर मैं देख रहा था रास्ता की तरफ और ज़मीन सब देख रहा था, तो अचानक ये स्त्री कलेनी रास्ता पर चल कर आ रही थी, थोड़ा दूर है शायद यहाँ से ये रास्ता, और वहाँ से वो मुझे देखा और ज़ोर से हिंदी में बताया, पादरी संडे स्कूल शुरू करो यहाँ पर, पादरी संडे स्कूल शुरू करो। और मैंने सोचा कि दैट्स इट, गॉड वांट्स अस टू डू समथिंग हियर। और हम लोगों ने शुरू किया बड़ा ज़ोर तोर से, अभी सिर्फ पिछले 4 महीना से कुछ गड़बड़ी हुआ, हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन हम फिर शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, बावलेबू में एक भारी आत्मिक जागृति होगा, इवेंजलिज्म होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब मिलकर प्रार्थना करें, जो बाकी कार्रवाई है उसको एडविन अगुवाई करेगा, हमारा संडे स्कूल और जो आज इंडिपेंडेंस डे के विषय में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे हम तैयारी करते हैं, पादरी साहब ने कहा संडे स्कूल के बारे में, तो मैं बता दूं कि इस समय वहाँ संडे स्कूल हो रहा है, प्रभु की जय। अभी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस आ रहे हैं, मैंने देखा कि वहाँ पर सर्विस भी हो रहा है और संडे स्कूल भी हो रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमारा है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ है ना, इन इज ओन टाइम, इन इज ओन वे थिंग्स आर हैपनिंग। प्रेज द लॉर्ड। आप सब यहाँ पर 80 से ज़्यादा लोग हैं, हम लोग सब इस सप्ताह पर प्रार्थना करेंगे, अगर बॉलीवुड लोगों के लिए आप विश्वास से प्रार्थना करें, ज़रूर से परमेश्वर कुछ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यू नो, इफ़ यू ऑल गेट टुगेदर एंड प्रे, 80 ऑफ अस, वी मोर देन 80 ऑफ अस, इफ़ यू प्रे फॉर बालेवू एंड द पीपल ऑफ बालेवू, फॉर दो 68 होम्स हु हैव रिसीव्ड द इनविटेशन, प्रेज द लॉर्ड। आप 68 लोग में दो परिवार, एक परिवार में 2 लोग हैं, डबल हो गया उसका नंबर, उतने लोग प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे, उनको अपना लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे
पास कुछ आइटम्स है, लेकिन उससे पहले जो देश का नेशनल एंथम है उसको हम गाएंगे और हम इनवाइट करना चाहते हैं हमारे बीच में संडे स्कूल बच्चे, क्यों ना आप सब खड़े हो जाएं और गर्व से विद लॉट ऑफ प्राइड वी विल सिंग द नेशनल एंथम, विच विल जस्ट वेट फॉर द चिल्ड्रन टू कम इन एंड वंस दे आर इन देन वी विल सिंग द नेशनल एंथम. प्रेज द लॉर्ड. सो यू कैन पुट योर हैंड्स इन द साइड ऑफ योर यू नो बाय योर साइड इफ यू वांट, और इफ यू कैन पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट टू से दैट वी लव आवर कंट्री. And we can do that, okay? Hallelujah. But we'll just wait for the children to please enter and bring the flag in. हम सब तैयार हो जाए जो नेशनल एंथम है उसको गाने के लिए. यू ऑल कैन पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड हैव द लेफ्ट हैंड बाय योर साइड. वी विल सिंग दिस विद प्राइड एंड लव फॉर आवर कंट्री एज वी ऑनर गॉड, एज वी ऑनर द कंट्री एंड लेट्स ऑल्सो प्रेयरफुली सिंग द नेशनल एंथम टू ऑनर आवर बिलव्ड नेशन. Yeah.
Hallelujah. Let's just give a praise offering to God. Hallelujah. Please remain standing wherever you are. Just remain standing. Let's just pray for our country. Let's pray for this beloved nation. We'll ask our senior pastor to please just pray. Let's all stand in a prayerful attitude to the Lord. Hallelujah. Praise God Almighty. Wonderful Jesus, we thank you. Hallelujah. Dhanyavad Sarvashaktiman Parmeshwar ki hum yahan is desh mein rehte hain. धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की आज हमारा दिवस है जब हम याद करते हैं कि 50 वर्ष पहले स्वतंत्रता को हमने पाया. धन्यवाद देता हूँ जितने लोगों ने इस देश में अगुवाई किया. धन्यवाद देता हूँ इस देश के नागरिक लोगों को. पिता धन्यवाद क्योंकि तुम्हारी दया दृष्टि तुम्हारे ही प्रेम के कारण इस देश में आज शांति और सुमत है. मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर कि हमारी सरकार में जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर और जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस है सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं. हे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे वे ये जिम्मेवारी को संभालते हैं देश के देखभाल करने के लिए वे अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह तुझे मुख्य स्थान दे कभी भी तुझे दूसरे स्थान ना दे. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ किसी न किसी तरह से वे यीशु के सच्चाई को जाने ईशु के अगुवाई को जाने और उसको मौका दे कि इस देश में वो भी अगुवाई कर सके. धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं सबके लिए धन्यवाद क्योंकि तूने हमें चुना है कि हम इस देश में रहे और इस देश के लिए प्रार्थना कर सके. ईशु मसीह के नाम से आमेन. हमारे पास एक दो आइटम है उसको हम करेंगे अपने देश के लिए और उसके बाद जो सभा है वो समाप्त हो जाएगा. क्यों ना सन्डे स्कूल बच्चों के लिए हम जोरदार तालियों के द्वारा धन्यवाद दें. आप देख सकते हैं नंबर बढ़ते जाता है. वी थैंक गॉड फॉर ऑल द चिल्ड्रन फॉर आवर सन्डे स्कूल फॉर आवर सन्डे स्कूल डिपार्टमेंट. लेट्स कीप ऑन प्रेइंग फॉर देम. हमारे नौजवानों की ओर से एक आइटम है और उसके बाद स्त्रियों की ओर से भी एक आइटम है और ज़रूर से इसके द्वारा परमेश्वर का जो आशीष आप सभी को मिले. अगर है यीशु अपने साथ अगर है सर पर उसका हाथ जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो यीशु की जय हो बीजी की जय हो यीशु की जय हो बीजी की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो. देश को रखना संभाल कर यीशु देश को रखना संभाल कर जब कोई नहीं कहीं नहीं तब यीशु तू ही है. सिंग टुगेदर. देश को रखना संभाल कर यीशु देश को रखना संभाल कर जब कोई नहीं कहीं नहीं तब यीशु तू ही है. देश को रखना संभाल कर यीशु देश को रखना संभाल कर. सिंग विद मी एवरीबॉडी. हालेलुया Hallelujah 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 Hallelujah. No one can take away the problem. Nobody has the power to give peace to the
no president, no prime minister. Because peace can only come on the one God who's created heaven and earth, Jesus Christ, the Prince of Peace. Glory God. Bless this nation of Fiji, O God. Let the people come to know you, and those who know you may come more closer to you, God. I pray for this great land of Fiji. Blessings in Jesus' name. Desh mein rahe nyayakara jeko jaye hum sab sikhaya hai Yeshu ne humko pyar sabko pyar sabse pyar aur sabse pyar sach ko pehchan जीवन बड़ा है जान प्यार बंदगी और प्यार जिंदगी यीशु ने हमको यही सिखाया यीशु ने हमको यही सिखाया देश को रखना संभाल कर यीशु देश को रखना संभाल कर जब कोई नहीं कहीं नहीं तब यीशु तू ही है देश को sing with me let's ask God to bless this nation of Fiji देश को रखना संभाल कर जब कोई नहीं कहीं नहीं तब ये तू ही है मेरे देश को रखना संभाल कर यीशु देश को रखना संभाल कर हालेलुया लेट्स लिफ्ट आवर हैंड्स लेट्स प्रे फॉर पीस एंड आस्क गॉड टू ब्लेस हालेलुया लेट्स लिफ्ट आवर वॉइसेस हालेलुया Come on.
प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से क्यों ना हम तालियों के द्वारा उनको बधाई दे, धन्यवाद को दे। ये देश हमारा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सभी को बताना ही हमारा फर्ज है। प्रेज द लॉर्ड। दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस एंड एवरीवन दैट लिव्स इन दिस कंट्री, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी आर सो ग्रेटफुल दैट यू आर हियर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, सभा में भाग लेने के लिए। हम बिल्कुल अंत में पहुँच चुके हैं, लेकिन क्यों ना हमारे साथ में आप खड़े हो जाएं, एक गीत को गाएंगे और उसके बाद प्रार्थना के द्वारा सभा को समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब तैयार है परमेश्वर की महिमा करने के लिए? सब तैयार है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए? क्यों ना अपने हाथों को उठाया प्रभु को धन्यवाद दे। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो यहाँ पर है हमारे बीच में, उसका उपस्थिति हमारे बीच में है, उसका उपस्थिति हमारे देश में है, हमारे इलाका में है, हमारे परिवार में है। प्रभु जी को धन्यवाद दे। हालेलुया जीसस। प्रभु धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए, धन्यवाद कि तूने हम सभी से प्रेम को किया। और आज हम धन्यवाद देते हैं कि हम एक साथ में इकट्ठा होकर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा को कर सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कि हमने वचन को सुना, धन्यवाद कि इस देश के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि तूने इस देश को हम लोगों को दिया। अब प्रभु आज हमारे यही प्रार्थना है कि जैसे यहाँ से हमारे लोग जाएंगे अपने अपने घरों को, कि प्रभु तेरा आशीष उनके जीवन में बना रहे, तेरा प्यार उनके जीवन में बना रहे। हम याद करें कि हम लोगों को प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरत है, और अपने समय प्रभु हम निकालें और प्रार्थना को करें और तेरे करीब आए। प्रभु जैसे हम चंदा को इकट्ठा करेंगे, जो दशवांश उसको टार कर लेकर तेरे राज के लिए देंगे, प्रभु तेरा आशीष बना रहे हर एक देने वालों पर, उनके कमाई पर, उनके घर पर, उनके आमदनी पर तेरा आशीष बना रहे। प्रभु हर एक लोग को एक बार फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं, और तेरा जो अनुग्रह है, तेरा जो कृपा है, तेरा उपस्थिति हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु हर एक महिमा तुझको मिले, हर एक बड़ाई तुझको मिले। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं, आमेन आमेन। जाने से पहले एक जा दो तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।